नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 नवंबर। चले जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों को। बिहार फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्टर भर्ती परीक्षा आवेदन फॉर्म में सुधार का मिला आखिरी मौका। सेंट्रल सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल ने बिहार फॉरेस्टर भर्ती और फॉरेस्टर गार्ड भर्ती परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। जिनके फॉर्म में त्रुटियां रही हैं, जिन उम्मीदवारों ने अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया है या फिर जिनका फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं है, जिसके तहत अब सभी कैंडिडेट्स 2 नवंबर से लेकर 6 नवंबर के बीच फॉर्म में बदलाव कर सकते हैं। कैंडिडेट्स इस लिस्ट में अपना नाम, रोल नंबर और पिता का नाम देखकर फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। बोर्ड द्वारा जारी नोटिस के अनुसार उम्मीदवारों को 2 महीने के भीतर का खिंचा हुआ रंगीन फोटो, उसका बैकग्राउंड सफेद हो और 15 से 25 केबी के बीच हो, उसे वेबसाइट पर अपलोड करना है। साथ ही अंग्रेजी एवं हिंदी में हस्ताक्षर विज्ञापन में दी गई शर्तों के अनुसार वेबसाइट पर अपलोड करना है। मुंगेर के पर्यटन स्थल में गोयनका शिवालय में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सुंदर मंदिरों की श्रृंखला में गोयनका शिवालय सबसे चमकीले नामों में से एक है। सबसे पुराने में से एक होने के नाते यह हिंदू तीर्थ यात्रियों के लिए स्वीकृत स्थानों में से एक है। शिव मंदिर एक बड़ी पानी की टंकी के बीच में बनाया गया है, जो बड़ी और सुंदर मछलियों से भरा है। सफेद संगमरमर का एक ठोस पुल सड़क मुख्य परिसर से जुड़ता है। मंदिर के चारों ओर फूलों और हरियाली के साथ एक बहुत सुंदर उद्यान पूरी तरह से बनाया गया है। विशेष रूप से भगवान शिव से जुड़े उत्सव के दिनों में परिसर आगंतुकों से भरा रहता है और एक मिनी मेला का आभास देता है। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या पहुंची 2,16,000 के पार। बिहार में कोरोना प्रभावितों की संख्या में गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बीते दिन के शाम 4 बजे तक जारी किए गए अपडेट के अनुसार कुल मिलाकर 800 नए मामलों की पुष्टि की गई है, जिसके बाद प्रभावितों की संख्या बढ़कर 2,16,764 पर पहुंच गई है। अगर हम प्रभावित जिलों की संख्या की बात करें तो अररिया में 18, अरवल में 1, औरंगाबाद में 19, बांका में 11, बेगूसराय में 11, भागलपुर में 25, भोजपुर में 9, बक्सर में 3, दरभंगा में 3, पूर्वी चंपारण में 20, गया में 53, गोपालगंज में 20, जमुई में 13, जहानाबाद में 22, कैमूर में 4, कटिहार में 3, खगड़िया में 8, किशनगंज में 16, लखीसराय में 2, मधेपुरा में 11, मधुबनी में 17, मुंगेर में 19, मुजफ्फरपुर में 24, नालंदा में 7, नवादा में 40, पटना में 258, पूर्णिया में 26, रोहतास में 8, सहरसा में 38, समस्तीपुर में 14, सारण में 11, शेखपुरा में 4, शिवहर में 1, सीतामढ़ी में 5, सिवान में 12, सुपौल में 25, वैशाली में 13, पश्चिम चंपारण में 4 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद बिहार में अब तक कुल आकर 7,862 मरीज सक्रिय है। वहीं 1,090 लोगों की जान जा चुकी है। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे विनोद बिहारी वर्मा की। विनोद बिहारी वर्मा का जन्म 3 दिसंबर 1937 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। विनोद बिहारी वर्मा एक मैथिली लेखक, डॉक्टर और सेना के सदस्य थे। वो अपने लेखन में मिथिला क्षेत्र के ग्रामीण गरीबों के चित्रण के लिए भी जाने जाते थे। उन्होंने एक डेंटल कॉलेज में व्याख्याता के रूप में और एक निजी चिकित्सक के रूप में भारतीय सेना में एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम किया था। उनके पास उर्दू, संस्कृत, ओडिया, असमिया और बंगाली सहित कई भाषाओं की कमान थी और विभिन्न भारतीय भाषाओं की लिपियां जैसे कि पुरानी मैथिली, असमिया, गुरुमुखी, ओडिया और नेपाली में भी ज्ञान था। बिहार में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। बिहार वासियों को अभी से ही गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। वहीं जानकारों की माने तो बिहार में इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो ला नीना के प्रभाव के कारण दिसंबर मध्य से लेकर जनवरी तक कोल्ड वेव और कोल्ड डे की स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसमविदों के अनुसार इस बार भले ही ठंड ने सूबे में देर से दस्तक दी है, लेकिन इसका व्यापक प्रभाव देखने के आसार है। यहां तक कि इस बार सूबे में फरवरी तक ठंड के आसार देखने को मिल सकते हैं। अभी से ही ठंड का एहसास बिहार वासियों को होने लगा है। इतना ही नहीं, न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है। पछुआ हवा भी बहने लगी है, जिससे रात में आसमान के साफ होने की वजह से पृथ्वी की ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से है दर्ज। भारत के इतिहास में 1 नवंबर का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई है। जिसकी शुरुआत 1858 को हुई। 1858 में भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटेन के शासक के पास चला गया तथा गवर्नर जनरल की जगह अब वॉइसरॉय की नियुक्ति की जाने लगी। 1950 में चितरंजन रेल कारखाने में भारत का पहला भाप इंजन बनाया गया। 1956 में भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। 1956 में ही देश की राजधानी दिल्ली केंद्र शासित राज्य बनी। 1960 में कल्याणी विश्वविद्यालय पश्चिम बंगाल भारत में स्थापित किया गया। 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा राज्य का गठन किया गया। 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया।
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की दुआ। इस समय बिहार में विधानसभा चुनाव का माहौल है, वहीं चुनाव के मौके पर एक के बाद एक जनसभाओं का आयोजन भी करवाया जा रहा है। साथ ही अल्लाह और भगवान को भी याद करने में नेता जुट गए हैं। इसी क्रम में बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नीतीश कुमार फुलवारी शरीफ के खानकाहे मुजीबिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने दरगाह पर चादरपोशी की। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ कई लोग भी मौजूद रहे, जिनकी उपस्थिति में उन्होंने सुख और समृद्धि की दुआ मांगी। महुली घाट स्थित पीपा पुल 15 नवंबर से होगा शुरू। भोजपुर जिला में आने वाले बरहरा प्रखंड क्षेत्र के महुली घाट स्थित पीपा पुल 15 नवंबर से शुरू होने वाली है। मिली जानकारी के अनुसार यह पीपा पुल 15 नवंबर से आने जाने वाले सभी छोटे बड़े गाड़ियों के लिए खुलवा दी जाएगी, जिसकी सूचना बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के वरीय परियोजना अभियंता रामविलास यादव ने दी है। उन्होंने बताया है कि 732 मीटर की लंबाई में सभी पीपा को गंगा नदी में लगाने का काम समाप्त हो गया है। वहीं इस पुल के दोनों तरफ जेटी का काम भी चल रहा है। जेटी का काम हो जाने के बाद दोनों तरफ अप्रोच पथ का निर्माण करवा दिया जाएगा, जिसके साथ ही आवागमन की शुरुआत होने वाली है। बिहार में घर के छत पर बने स्कॉर्पियो ने खींचा आनंद महिंद्रा का ध्यान। बिहार के भागलपुर में एक शख्स ने अपने छत पर पानी की टंकी को स्कॉर्पियो का आकार दिया है, जिससे अब मशहूर कार निर्माता कंपनी के मालिक आनंद महिंद्रा का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। आनंद महिंद्रा घर के मालिक के सोच से इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि वो इस तस्वीर को शेयर करने से खुद को रोक नहीं सके, जिसको शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि स्कॉर्पियो घर की छत पर चमक रही है। अपनी पहली गाड़ी के लिए आपके इस प्यार को हम सलाम करते हैं। घर और कार के मालिक के लिए मेरी ओर से बहुत सारा प्यार और सम्मान। मुंगेर वाकया में शामिल लोगों की होगी अब चुन चुन कर पहचान। मुंगेर में पुलिस और विसर्जन करने जा रहे लोगों के बीच उत्पन्न हुए विवाद ने राजनीतिक रूप ले लिया था, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में मुंगेर डीआईजी मनु महाराज ने जिम्मेदार लोगों को पकड़ने की तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने की बात कही है। साथ ही उन्होंने इस पूरे मामले में 5 लोगों पर मामला दर्ज होने की भी जानकारी दी है। मुजफ्फरपुर में मंच से गिरे पप्पू यादव का टूटा हाथ। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और तीसरा चरण के मतदान के लिए पप्पू यादव एक के बाद एक जनसभा का संबोधन कर रहे थे, लेकिन उनका मुजफ्फरपुर दौरा बेहद ही खराब रहा, क्योंकि इसी दौरान जिले में आयोजित एक जनसभा के दौरान मंच टूटने से जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को काफी ज्यादा चोट लग गई, जिसके बाद उनका हाथ तक टूट गया। हालांकि इस वाकया के तुरंत बाद पप्पू यादव का इलाज करवाया गया, जिसके बाद जाप अध्यक्ष ने कहा कि जनता के प्यार और आशीर्वाद से मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, लोगों की दुआएं मेरे साथ है, मैं स्वस्थ होकर जनता के बीच जल्द ही पहुंचूंगा। बिहार शरीफ में भी जल्द ही शुरू होगा रंगीन मछलियों का उत्पादन। बिहार में रंग बिरंगी मछलियों के उत्पादन को लेकर सरकार अब पूरी सजगता के साथ काम करना चाहती है, इसीलिए तो बिहार शरीफ में विभिन्न प्रकार के मछलियों के उत्पादन के लिए सरकार ने नए सिरे से योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री विशेष योजना के तहत रंगीन मछलियों के संवर्धन एवं प्रजनन के लिए जिले में पहली बार मत्स्य विभाग द्वारा यूनिट स्थापित की जा रही है। प्रत्येक इकाई पर 25 लाख रुपए खर्च करने की तैयारी भी की जा रही है। इससे सरकार युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी खोलने की तैयारी कर रही है। मिली जानकारी के अनुसार मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग लाभुकों को 40-60% तक अनुदान उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहे हैं। पटना समेत 8 स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही महिलाओं का हालचाल पूछेगी आरपीएफ अधिकारी। पटना समेत 8 स्टेशन पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मेरी सहेली योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें पटना जंक्शन, राजेंद्र नगर, दानापुर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धनबाद, समस्तीपुर, बरौनी और मुजफ्फरपुर में इस योजना के तहत महिलाओं की सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाएगा, जिसके तहत ट्रेन में अकेले सफर कर रही महिलाओं का खास ध्यान रखा जाएगा। ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही आरपीएफ की महिला अफसर या जवान वहां पहुंचेंगी। महिला पैसेंजर का कुशल क्षेम पूछेंगी, अगर उन्हें कोई परेशानी होगी तो उसका समाधान करेंगी या फिर अपने सीनियर अधिकारी को समस्या की जानकारी देंगी। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में लगाए गए सीआईएसएफ जवान। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बनाए गए स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। सभी स्तरों पर रूम की सुरक्षा सीआईएसएफ जवानों को सौंप दी गई है। राज्य में इस समय चुनाव के लिए बिहार को विशेष बलों की 1200 कंपनियां मिली हैं। पहले चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद अब इन सुरक्षा बलों की तैनाती उन जिलों में कर दी गई है जहां दूसरे चरण में वोट डाले जाने हैं। सबसे अधिक 94 विधानसभा सीटों पर इसी चरण में मतदान होना है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के साथ साथ राज्य की विशेष बल बीएमपी और जिला पुलिस के जवानों की तैनाती करने की भी तैयारी है।
मिड डे मील योजना के तहत बिहार सरकार ने लिया बड़ा फैसला। कोरोना के दौरान अक्टूबर और नवंबर के मिड डे मील योजना का अनाज और उसकी समतुल्य राशि दिए जाने का फैसला लिया गया है, जिसके तहत राज्य के करीब 72,000 प्रारंभिक स्कूल में नामांकित पहले से आठवीं तक के छात्रों को 2 महीने का खाद्यान्न दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने सभी जिलों के शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दे दिया है कि लाभुक छात्रों को 2 महीने के MDM का खाद्यान्न और खाना पकाने की लागत की राशि उनके बैंक खाते में भेजी जाए। अक्टूबर और नवंबर महीने में कुल 40 कार्य दिवस के लिए पहली से आठवीं के सभी छात्रों को MDM के तहत निर्धारित प्रति छात्र अनाज और प्रवर्तन मूल्य की राशि दी जाएगी। प्रधान सचिव ने जिलों को भेजे आदेश में कहा है कि निर्धारित मानक के मुताबिक 2 महीने के लिए पहली से पांचवीं तक के हर छात्र को 4 किलो अनाज और 198 रुपए, जबकि छठी से आठवीं तक के छात्रों को प्रति छात्र 6 किलो अनाज और 298 रुपए दिए जाएंगे। चुनाव आयोग ने फ्री कोरोना वैक्सीन देने के मामले में भाजपा को दी क्लीन चिट। बिहार में विधानसभा की तैयारियों के बीच भाजपा की तरफ से बिहारवासियों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया करवाने का दावा किया गया था, जिसके बाद राजनीति शुरू हो गई थी। वहीं भाजपा के इस ऐलान को आचार संहिता का उल्लंघन तक करार करने में जुट गए थे। हालांकि अब चुनाव आयोग ने भाजपा को क्लीन चिट दे दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा की तरफ से मुफ्त वैक्सीन का वादा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। आपको बता दें, RTI कार्यकर्ता साकेत गोखले की याचिका में चुनाव आयोग ने यह क्लीन चिट जारी की है। नीतीश पर जमकर बरसे चिराग। नरकटियागंज के लोजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने बेतिया पहुंचे चिराग पासवान ने अपने जन्मदिन पर नीतीश कुमार पर खूब बयानबाजी की। चिराग ने भरी सभा में नीतीश कुमार पर पलायन, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का सीधा आरोप लगाया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि 10 तारीख को नीतीश कुमार की विदाई पक्की है। उन्होंने लोगों से सीधा संवाद कर पूछा कि क्या सड़क मिली, बिजली मिली, रोजगार मिला, इन्वेस्टमेंट आया। उनके सारे सवालों के जवाब लोग नहीं बोल कर देते रहे। आगे उन्होंने लोगों से पूछा कि 7 निश्चय में भ्रष्टाचार हुआ है या नहीं। बीते दिन कई जनसभाओं में गरजे नीतीश। आगामी विधानसभा चुनाव में दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर दिन ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने बीते दिन कई जनसभाओं का संबोधन किया, जिसमें उन्होंने सभी लोगों से NDA के पक्ष में मतदान करने की अपील तो की ही, साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने भागलपुर जिले के जगदीशपुर स्थित लोकनाथ उच्च विद्यालय में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बिहार में मेगा स्किल सेंटर बनाने का ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी खूब निशाना साधा, जिसके तहत उन्होंने कहा कि लालटेन युग में किसी भी घर में रोशनी नहीं थी, लेकिन आज सभी घरों में उजाला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के इतिहास के बासी पन्नों पर ही बोलने की कही बात। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया है, जिसके तहत तेजस्वी यादव ने बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर से निशाना साधा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को भटकाना चाहते हैं। असल मुद्दे को हमने पहले ही दोहराया है, जिसमें कमाई, सिंचाई और पढ़ाई है, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन मुद्दों पर कभी नहीं बात करते हैं। नीतीश जी बस इतिहास के बासी पन्नों पर ही बोलते आए हैं, लेकिन नीति आयोग के रिपोर्ट में सबसे पीछे बिहार है, इस पर कुछ क्यों नहीं बोलते। कांग्रेस ने अब सरकार बनने पर ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम खोलने की कही बात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सरकार बनते ही बिहार में ओपन रिक्रूटमेंट सिस्टम खोलने का दावा किया है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने सरकार बनते ही बिहार के स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए राइट टू हेल्थ लाने की भी बात कही है। प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजवाला ने कहा कि बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है, इसमें सुधार तक नहीं होगा जब तक डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन, रेडियोलॉजिस्ट और नर्सों और गायनेकोलॉजिस्ट, स्पेशलिस्ट और रेगुलर डॉक्टर की कमी रहेगी। आपको बता दें, कांग्रेस दूसरे चरण में कुल मिलाकर 24 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रही है। मिर्जापुर 2 के मेकर्स ने उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक को भेजा माफीनामा। वेब सीरीज मिर्जापुर के मेकर्स ने उपन्यासकार सुरेंद्र मोहन पाठक को माफीनामा भेजा है। ये वही सुरेंद्र मोहन पाठक है जिन्होंने उपन्यास धब्बा का लेखन किया है। वहीं आपको बता दें, यह माफीनामा इसलिए जारी किया गया है क्योंकि वेब सीरीज मिर्जापुर 2 में उपन्यासकार के लिखे गए धब्बा को एक सीन में दिखाया गया है, जिस पर कि सुरेंद्र ने हाल ही में आपत्ति जाहिर की थी। इसके साथ ही उन्होंने मिर्जापुर 2 के मेकर्स के नाम नोटिस भी जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा था कि मेकर्स ने उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। जिस पर रितेश साघवानी ने लिखा कि प्रिय सुरेंद्र मोहन पाठक जी, आपके और आपके प्रशंसकों की भावनाएं जो आहत हुई हैं उसके लिए क्षमा करें। बीते दिन पहले सी प्लेन सेवा की हुई शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिन गुजरात के केवड़िया में देश के पहले सी प्लेन सेवा की शुरुआत की। सिर्फ 300 मीटर लंबे किसी तालाब या जलाशय में उतरने वाले ये सी प्लेन कई मायनों से बेहद खास बताया जा रहा है। आपको बता दें, इस विमान की लैंडिंग पानी में होगी। इतना ही नहीं, टेक ऑफ भी पानी से ही होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर देश को ये सौगात दी थी। साबरमती रिवर फ्रंट से केवड़िया में मौजूद स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तट से इसकी शुरुआत की गई। सी प्लेन में एक बार में 19 यात्री
यात्री सफर कर पाएंगे। व्हाट्सएप पर आसानी से छिपा सकते हैं अपना ब्लू टिक। व्हाट्सएप पर अक्सर ऐसा देखा गया है कि आप कुछ मैसेज को देखना तो चाहते हैं, मगर ये नहीं चाहते कि सामने वाले को पता चले कि आपने उसके मैसेज को देख लिया है, जिसके तहत अब आप आसानी से अपने ब्लू टिक को छिपा सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा। वहां जाकर आप अकाउंट पर टैप करें, जहां आपको प्राइवेसी का ऑप्शन मिलेगा उस पर टैप करें। फिर आपके सामने अनटिक रीड रिसिपिएंट का ऑप्शन आएगा, जिस पर जाकर आप आसानी से ब्लू टिक के ऑप्शन को बंद कर सकते हैं। जिसके बाद अब आप मैसेज देख भी ले तो सामने वाले को ये नहीं पता चलेगा कि आपने मैसेज देखा है या नहीं। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 31 अक्टूबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,950 रुपए था। वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 50,950 रुपए था। वहीं अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,000 रुपए था। इसके अलावा राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 83.73 रुपए प्रति लीटर थी, वहीं डीजल 76.10 रुपए प्रति लीटर था। एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के नियमों में आज से लागू हुआ बदलाव। एलपीजी गैस सिलेंडर लेने के लिए अब ग्राहकों को कुछ नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा, जिसके तहत अब बिना ओटीपी के आप अपना सिलेंडर नहीं ले पाएंगे। इसके साथ ही अब गैस बुकिंग के लिए भी नया नंबर आज से लागू हो गया है। एलपीजी सिलेंडर बुक करने वाले उपभोक्ता को घर पर सिलेंडर की डिलीवरी लेने से पहले वन टाइम पासवर्ड बताना अनिवार्य होगा। जिन ग्राहकों का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो डिलीवरी पर्सन एक ऐप के जरिए इसे अपडेट भी कर पाएंगे और कोड जनरेट करेंगे। इस प्रकार से ग्राहकों को कोड मिल जाएगा। कंपनी ने अपने ग्राहकों से कहा है कि अब 7718955555 पर कॉल करके गैस बुक करना होगा। पहले लोग 9911554411 पर फोन करके गैस सिलेंडर बुक करवाया करते थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है शगुफ्ता परवीन, कमलेश कुमार, शहजाद अहमद, राजीव रंजन करे, गौतम कुमार, प्रेम सिंह, अब्दुल रहमान बॉस, ऋषिकेश कुमार, सुमित कुमार, हिमांशु कम्युनिकेशन, सुशांत कुमार, संतोष कुमार, पप्पू सिंह, श्रवण राज, वीरेंद्र यादव, विकी कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जारी किए गए मेरी सहेली योजना महिलाओं की सुरक्षा में कितनी लाभदायक साबित होगी? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। अगर आप वीडियो हमारा YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और अगर आप वीडियो हमारा Facebook पर देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।